गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 14, मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, मैथमेटिक में मतलब मैथमेटिक्स में जो भी टर्म होता है, रीजनिंग का मतलब क्या है एक्चुअली, कि आप कौन से टर्म को कैसे कैसे देख सकते हो, अगर ये है तो वो कैसा होगा, अगर ये सही है तो वो सही होगा या रॉन्ग होगा, अगर दो स्टेटमेंट का एडिशन किया है तो उसका आंसर क्या होगा, वो रीजनिंग में सब कुछ आता है। ठीक है, तो रीजनिंग का बहुत ही बेसिक ये चैप्टर है, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यूजफुल होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम वो चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन 14.1 पढ़ने वाले हैं। हम कैसे पढ़ेंगे ये पूरा चैप्टर 14.1 पढ़ेंगे। ठीक है, उसके आगे के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और सबसे पहले उसके टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब ये सिनारियो में हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स और 14.1, मतलब एक शॉट में हमारा पूरा कंसेप्ट विथ एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट किसे बोलते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेशन है हमारे पास, ए सेंटेंस इज कॉल्ड ए मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट इफ इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। दैट मीन्स अगर कोई भी 100% ट्रू है, ठीक है, या फिर 100% फॉल्स है, तो हम उसको स्टेटमेंट बोलेंगे, वो सेंटेंस को हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं, लेकिन वो कभी कभी चेंज हो जाए तो हम उसको स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, हम सिर्फ उसको सेंटेंस ही बोलेंगे। क्लियर है, समझ में आई? सिर्फ आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि वो या तो 100% ट्रू होना चाहिए या तो फिर रॉन्ग होना चाहिए, तभी हम उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोल सकते हैं। ये दोनों में से कुछ भी होगा, क्योंकि स्टेटमेंट राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, लेकिन दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, 6 इज लेस देन 8, तो ये सही है या रॉन्ग है, ये कैसा है, ये ट्रू है। ट्रू है तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, आप समझो मेरी बात को। 2 इज एन ऑड नंबर, तो ये रॉन्ग है। देखो, 2 कैसा है, इवन नंबर है ना बेटा, 2 कैसा है, इवन नंबर है, तो ये रॉन्ग है। यस, ये रॉन्ग है, लेकिन फिर भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि रॉन्ग हो या राइट हो उससे हमें मतलब नहीं है, वो ट्रू एंड फॉल्स होना चाहिए, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों होगा तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोनों नहीं होना चाहिए, कुछ भी एक होगा तो चलेगा। चलो, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, यस और नो? यस इज ट्रू, 100% ट्रू है कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, तो इसको हम बोलेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट। चलो, न्यू दिल्ली इज इन इंडिया, हाँ इंडिया में है, यस देन ट्रू, तो उसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे इतनी पोर्शन आपको समझ में आ गई, आपको सिर्फ ये कंसेप्ट याद रखना है, वो आइदर ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए, लेकिन बोथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन। तो अब बात है कि किसको स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, तो वो ट्रू और फॉल्स दोनों हो उसको सेंटेंस नहीं बोल सकते, तो उसके काफी सारे एग्जाम्पल्स है, मतलब इंपेरेटिवली या फिर इनोग्रेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऐसा कोई भी सेंटेंस आते हैं, हम उसको सेंटेंस नहीं बोल सकते। देखो, ये हमारा प्योर कंसेप्ट है, आप ये ध्यान में रखोगे फिर भी आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा डीप में जाते हैं, और कौन से है सेंटेंस जो स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, ये उसके एग्जाम्पल है। ठीक है, लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। चलो, इंपेरेटिव, उसमें एडवाइस अगर किसी को दे जाती या फिर डायरेक्शन दी जाती या फिर ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट, ऐसा कुछ भी पोर्शन आता है तो हम उसको स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। जैसे कंसीडर वेजिटेबल ओवर मिल, तो ये एडवाइस दी है ना, तो अगर कोई लेता होगा तो उसके लिए रॉन्ग होगा, अगर नहीं लेता होता होगा तो उसके लिए ट्रू होगा, तो दोनों कंडीशन में इसके आंसर अलग-अलग आ रहे हैं, इसलिए हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। ठीक है, जैसे कि ये पे डायरेक्शन दिए कि लीव दिस लगेज एट द गेट, कम हियर, पुट इट डाउन नाउ, प्लीज क्लीन योर रूम, तो ये चीजें
जितने भी एग्जाम्पल है उसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। उसका रीजन है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ देते हैं, सारी कंडीशन में ये ट्रू और फॉल्स नहीं होगे। इसके लिए क्लियर है इतनी बात बेटा? ओके, इंट्रोगेटिव। कोई अगर क्वेश्चन पूछता है, डू यू वॉन्ट टू गो देयर, हाउ ऑफन यू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क आएगा, वो भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी, आई एम नॉट, या व्हाट्स ए हैप्पी एंडिंग, व्हाट ए हैप्पी एंडिंग, तो ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई प्रोनाउन यूज करता है, मतलब यू आर 10th क्लास पास स्टूडेंट, मतलब अगर ये 10th वाला वीडियो जो रहा है, मतलब 10th वाला स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए राइट होगा। आप 11th में हो तो इसके लिए ये रॉन्ग होगा। तो ये दोनों कंडीशन पे ये अलग अलग होगा, इसलिए ऐसे कोई भी प्रोनाउन है, यू, शी, ही, आई, उसके लिए सारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। समझ गए आप बात? तो इन शॉर्ट मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूं, आप अगर कोई आपको पूछे कि किसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलते हैं, तो अगर कोई सेंटेंस 100% ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, तो हम उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलेंगे। लेकिन अगर बोथ हो तो हम उसको नहीं बोल सकते, नॉट ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट। सिंपल? ओके, लेट्स गो। चलो, यहाँ पे वेरिएबल प्लेस दे दी है, योर होम इज 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। अब योर होम मतलब कहाँ पे, और हियर मतलब क्या? सपोज मैं अहमदाबाद में हूँ, तो यहाँ से आपका घर कितना है वो नहीं पता। कोई अगर इंदौर है या फिर मुंबई है, वहां से आपका घर है कितना नहीं पता। तो सबके लिए रॉन्ग हो जाएगा बेटा, मतलब सबके लिए सही नहीं होगा। किसी के लिए 100 किलोमीटर्स घर दूर होगा, लेकिन सबके लिए नहीं होगा। टुमोरो इज फ्राइडे। अब आप थर्सडे देख रहे हो तो ये यस है, ट्रू होगा, लेकिन वेनेसडे देख रहे हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना। इसीलिए जिसमें 100% सही या गलत नहीं होता, ठीक है, तो फिर हम उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। ठीक है, ओके। तो लेट्स गो फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फर्स्ट, इसमें हमें कुछ एग्जाम्पल है वो हमें देखना है। यहाँ पे मैंने ट्रू फॉल्स का कॉलम बनाया हुआ है, सिर्फ उसमें लिखना है ट्रू एंड फॉल्स। वो आपको पूछेंगे नहीं कि सही है गलत है, ये हमारे लिए है कि चलो ट्रू है तो वो होगा, फॉल्स है तो होगा, लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो नहीं होगा। जैसे कि देखो, फर्स्ट, एट एट इज लेस देन सिक्स, सही है गलत? गलत है ना, 100% गलत है। अगर गलत है तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, चलो, एवरी सेट इज अ फाइनाइट सेट। ओके, सारे सेट, अगर आपने 11th में पढ़ा है तो सारे सेट बेटा फाइनाइट नहीं होते ना। आप नेचुरल नंबर ले लो, इंटीजर ले लो, ठीक है, वो सारे कैसे सेट है, कैसे है, इनफाइनाइट सेट है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर ये फॉल्स हो गया तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। सिंपल। चलो, द सन इज ए स्टार। हाँ, हमें पता है ये 100% ट्रू है कि सन ए स्टार है, तो यस, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा। मैथमेटिक्स इज फन। अब देखो, मेरे लिए मैथमेटिक्स फन है, मुझे उसमें बहुत मजा आता है। ठीक है, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ मैथमेटिक्स को। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो उनको नहीं पता होगा, है ना, मतलब नहीं पसंद आ रहा होगा, तो सबके लिए राइट नहीं है। तो ये ट्रू भी नहीं होगा, फॉल्स भी नहीं होगा। क्यों? उसका रीजन मैंने बताया कि मेरे लिए सही है, शायद आपके लिए ना भी हो, है, दूसरे के लिए कंपलसरी ना हो, तो उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट नहीं है। चलो, देट इज नो रेन विदाउट क्लाउड। अब क्लाउड के बिना तो रेन होगी नहीं बेटा। अब आप ऐसा बोलोगे, सर मैंने तो एक दिन मतलब रेनिंग हो रही थी तब मैंने देखा था, तब तो क्लाउड नहीं थे। बेटा, हमें दिखते नहीं है लेकिन ऊपर तो होता है क्लाउड, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि क्लाउड है तो ही, मतलब क्लाउड के बिना रेन होगा। क्लाउड के बिना रेन नहीं हो सकता, ये 100% ट्रू पोर्शन है, इसीलिए ये स्टेटमेंट है। ठीक है, हाउ फार इज चेन्नई फ्रॉम हियर। अब देखो, हियर से चेन्नई कहाँ पे है? मैं अहमदाबाद में हूँ, कोई मुंबई में होगा, कोई महाराष्ट्र में होगा, कोई दिल्ली होगा, तो नहीं पता ना हमें कि कहाँ से पूछ रहा है। तो इसका आंसर हम कुछ नहीं दे सकते, या फिर देंगे तो वो राइट भी होगा काफी टाइम पे, रॉन्ग भी होगा, या फिर डिफरेंट डिफरेंट आंसर हो गए, तो इसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। क्लियर है बेटा इतना? ठीक है, ओके, लेट्स गो फॉर इट।
हियर एक्सरसाइज 4.1, सेम प्रोसीजर है बेटा। क्वेश्चन सही है गलत है, सही है तो स्टेटमेंट, गलत है तो भी स्टेटमेंट, नहीं है तो नहीं है स्टेटमेंट। देर आर 35 डेज इन ए मंथ, कितने होते हैं 30 या 31 या फिर 28, 29 ऐसा कुछ होता है ना फ़रवरी के अगर देखे तो, लेकिन 35 तो कभी नहीं होते, तो 100% फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट है। ठीक है, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, देखो वही बात होगी, आपके लिए डिफिकल्ट होगा, मेरे लिए शायद डिफिकल्ट होगा, आपके लिए डिफिकल्ट नहीं भी हो सकता है ना, तो ये कुछ नहीं कह सकते, अगर कुछ नहीं कह सकते तो यहाँ पे नो आएगा। ओके, द सम ऑफ 5 एंड 7 इज ग्रेटर देन 10, तो यस 5 एंड 7 का सम 12 हो रहा है, तो वो ग्रेटर देन 10 है, यस है, तो ये ट्रू है, ट्रू है तो ये स्टेटमेंट है। देखो यहाँ पे ये कॉलम की मतलब कोई ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन वो हम किस लिए लिख रहे हैं, क्योंकि हमें ये वाला पोर्शन पता चले, बहुत अच्छे से। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज है इवन नंबर, ओके चलो 2 का स्क्वायर किया तो आंसर इज 4, चलो 3 का स्क्वायर करो बेटा क्या आंसर आ रहा है, 3 का आंसर 9, तो देखो इसका ऑड नहीं है ना, इसका सॉरी मतलब इसका ऑड है, इसका इवन नहीं है, तो स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज एन इवन नंबर, तो ये कैसा सेंटेंस हुआ, फॉल्स हुआ। ठीक है ना, सबका स्क्वायर करोगे तो आंसर इवन नहीं आएगा, ऑड भी आ सकता है, तो ये फॉल्स है, फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट है। द साइड ऑफ एन क्वाड्रिलेटर हैव इक्वल लेंथ, क्वाड्रिलेटर की जो मतलब क्वाड्रिलेटर है उसकी साइड वो इक्वल लेंथ होती है, ठीक है, तो ये कैसा है, अब क्वाड्रिलेटर में कैसा कैसा होता है, स्क्वायर भी होगा, सॉरी रेक्टेंगल भी होगा, स्क्वायर भी होगा, रोम्बस भी होगा है ना, पैरेललोग्राम भी होगा, तो सबके लिए थोड़ी इक्वल साइड होगी, नहीं होगी ना, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, हमें नहीं पता किसके लिए क्या है। द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर हैव इक्वल लेंथ, तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट है, तो लेकिन ये स्क्वायर के लिए कैसा होगा, स्क्वायर के लिए सही होगा, रोम्बस के लिए सही होगा, तो हम कुछ नहीं कह सकते, तो ये होगा नो। ठीक है ओके, अच्छा अब ये ऊपर वाला देख लो, ऊपर वाला में हम ऐसे भी बोल सकते हैं द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज इवन नंबर, अगर 2 का करे तो इवन आता है, 3 का करे तो इवन नहीं आता, तो ये सही भी है रॉन्ग भी है, तो यस यस ये स्टेटमेंट नहीं होगा, ये समझो 2 का किया तो 4 आया, 3 का किया तो 9 आया, तो ये सेंटेंस इसके लिए राइट है लेकिन इसके लिए रॉन्ग है। ठीक है, तो इसके लिए हम उसको स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है बेटा चलो आगे बढ़ते हैं, चल आंसर द क्वेश्चन, अब कौन सा क्वेश्चन का आंसर है, हमें कुछ बताया नहीं है, दैट मीन्स वो स्टेटमेंट नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ -1 एंड 8, -8 होता है, ये रॉन्ग है ना, 100% रॉन्ग है, -8 होता है वो हमें पता है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट है। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एन ट्राइंगल इज 180, 100% ट्रू है, हमें पता है, तो ये स्टेटमेंट है। टूडे इज विंडेड है, ठीक है, दैट मीन्स आज हवा ज़्यादा पड़ रही है, तो सपोज आज मैं अगर एज्यूम करूँ तो आज शायद हवा आ रही होगी, कल शायद नहीं भी आ रही होगी, तो कल ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो यस एंड नो दोनों आ रहा है, दैट मीन्स डैश कुछ नहीं आएगा और ये स्टेटमेंट नहीं है। चलो, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, यस सारे रियल नंबर अगर आपको पता है तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, फिर कॉम्प्लेक्स, इ रेशनल नंबर भी बोल दो, कॉम्प्लेक्स सॉरी इ रेशनल नंबर, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, वो सारे रियल नंबर में आते हैं है ना, ये सारे रियल नंबर में आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी रियल नंबर में आता है, तो फिर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 0 i करके लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, तो ये है ट्रू और यस ये स्टेटमेंट है। ठीक है, वेरी सिंपल, तो हमने बेटा ये 14.1 एग्जाम्पल भी देखी, एग्जाम्पल्स भी देखे, 14.1 एक्सरसाइज भी देखी। ठीक है, तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं एक सिंपल सा टॉपिक की स्टेटमेंट है या नहीं है, तो 100% ट्रू है तो स्टेटमेंट है, फॉल्स है तो स्टेटमेंट है, लेकिन दोनों है तो उसको स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, क्लियर है बच्चों, चलो कमेंट करके अपनी अटेंडेंस खत्म करो,
ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, चलो थैंक यू।